हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 40 का 60% कितना होगा। तो हम इसको लिखेंगे 40 का मतलब होता है गुणा, और 60% को हम लिखेंगे 60/100। अब यहाँ से ये दो जीरो से ये दो जीरो कटा लेंगे। अब यहाँ पे बचा 4 × 6, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 4 × 6 = 24 होगा। 24 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न है 110 का 20% प्लस 220 का 10% कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100 प्लस दे रखा है तो यहाँ पे प्लस 220 का मतलब गुणा 10% का मतलब 10/100। अब यहाँ से यह दो जीरो से ये दो जीरो कटा लेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कटा लेंगे। यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 11 × 22 प्लस 22 का मल्टीप्लाई 1 में, यहाँ पे होगा 22। 22 और 22 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न है 80% बराबर 60% कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 का मतलब गुणा, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क की जगह लिख सकते हैं x% यानी x/100 बराबर 60 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100। अब यहाँ से हम काटेंगे 20 × 80 और 20 × 5 = 100। यहाँ से काटेंगे तो 20 × 3 = 60 और 20 × 5 = 100। 5 से इस 5 को काट देंगे तो यहाँ पे बचा 4x बराबर में 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 3 × 6 हो गया 12। तो x बराबर 4 से काटेंगे 12 को, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे यानी 3 × 40 तो 3 × 6 = 12 120 होगा। 4 से काटेंगे 120 को, हो गया 30। x बराबर कितना होगा, 30। 30 दोस्तों आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है 625 का 80% बराबर x का 50% कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 625 का मतलब गुणा होता है 80% का मतलब 80/100 बराबर x × 50/100। अब यहाँ से हम देखेंगे, अगर ये काटेंगे तो 20 × 80 हो गया और 20 × 5 = 100। यहाँ भी काटेंगे 50 × 50 = 50 × 100। अब यहाँ से 5 से काट देंगे 625 को तो 125 बार में कट जाएगा। तो x बराबर लिख लेंगे 125 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे यानी यहाँ पे 125 × 4, इधर 2 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न है संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। ऐसे प्रश्न में दोस्तों हमको याद रखना होगा, जो का वाली संख्या दिया है उसको नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 40 का दिया है, इसको नीचे लिख लेंगे और इस संख्या को ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 कर देंगे। अब यहाँ से काटेंगे तो ये 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25 और 40 को काटेंगे तो 5 × 8 = 40 हो गया। अब यहाँ से
हम काट सकते हैं चार से, तो चार दुना के आठ, और ये चार दुना के आठ, चार पचे बीस, तो कितना हो गया? पच्चीस का मल्टीप्लाई पाँच में, तो पच्चीस पचे 125 बटे में दो, भाग कर देंगे हो जाएगा 62/1/2। 62/1/2 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।